यह उस समय की बात है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। द जंगल बुक, रुडियट किपलिंग की यह फेमस किताब आप सबने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो दूरदर्शन पर जरूर देखा होगा। जिस जंगल की रानी थी एक हाथी, और उसने बनाया था जंगल का कानून। हर जानवर उस कानून का पालन करता था, और शेर खान उल्लंघन। सारी जद्दोजहद उस कानून को पालन करते हुए जीवन कैसे बिताया जाए इसी के ऊपर थी। पर एक बार जब बारिश थोड़ी कम हुई तो हाथी रानी ने सभी जानवरों की सभा बुलाकर पानी में कटौती का आदेश दे दिया। इसका अर्थ यह था कि अब हर जानवर निश्चित नियम को पालन करते हुए ही पानी का उपयोग कर सकता है। स्पेशली तब जब कोई जानवर पानी पीने आएगा, तब उसका शिकार नहीं किया जाएगा। यह कहानी मुझे अभी इसलिए याद आई क्योंकि हम सब किसी ना किसी कटौती का सामना कर रहे हैं, चाहे वो श्रमिक कटौती हो या कई संसाधनों की कटौती। पर इस लॉकडाउन में असली चैलेंज यह है कि हमें सोचना है हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को कैसे सुरक्षित छोड़ पाए, और यह हमें सोचना भी चाहिए, और यह इस लॉकडाउन में शायद एक अच्छी बात भी हो सकती है। मैं चंचल झंवर अपने सहयोगी राम स्वरूप मुंदड़ा के साथ एक बार फिर लेकर आया हूं thecutface.com, भारत का पहला व्हाट्सएप अखबार। आज हमने तय किया है कि आज के एडिशन में कोई भी कोरोना से रिलेटेड चिंताजनक खबर नहीं छापेंगे, और ना ही कोई नेगेटिव खबर का चुनाव किया है। हम यह चाहते हैं कि आज आप कुछ क्षण के लिए कोरोना की चिंता को भूल जाएं और अपने परिवारजनों के साथ बैठकर रिलैक्स करें। और हमने कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ मनोरंजक वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आदि सेलेक्ट करके आप तक जो पहुंचाए हैं उन्हें एंजॉय करें। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे, परिवार के साथ होंगे। नमस्ते।